आपका दोस्त यासिर, आप मुझे मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज यासिर के साथ में देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग आजकल मक्का और मदीना के टूर पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे के लिए आए हुए हैं। मदीना में जिस होटल में हम लोग ठहरे हैं उसका नाम है सज्जल अल मदीना, और चलें आए आपको रूम टूर वगैरह कराते हैं। आप देख सकते हैं लॉबी, माशाल्लाह ये 4 स्टार होटल है, क्योंकि ये हॉलीडे सीजन चल रहा है तो होटल बहुत ही मुश्किल से इस वक्त अवेलेबल थे। आप ये देखें लॉबी, माशाल्लाह बहुत ही नीट एंड क्लीन होटल है, सज्जल अल मदीना। आए आपको रूम का टूर कराते हैं। तो जैसे ही आप रूम में एंटर हुए, राइट साइड पे आपके पास क्लाजेट है, ये आप देख सकते हैं क्लाजेट, साथ में सेफ भी इन्होंने दिया हुआ है। तो बहुत ही डिसेंट साफ सुथरा होटल है। और उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपके पास वॉशरूम है, जो कि बहुत ही डिसेंट और साफ सुथरा है। मेन कंसर्न क्या है कि वॉशरूम साफ होना चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन। ये इसका स्टैंडिंग शावर, चलें आपको बाकी रूम दिखाते हैं। यहाँ पे आपके पास वाटर उन्होंने रखा हुआ है, कुछ कप्स हैं, कॉफ़ी वगैरह, कैटल पड़ी हुई है। यहाँ पे आपके पास फ्रिज है, और उसके बाद आपके पास आप देख सकते हैं कि ये 4 बेडरूम का जो है सुइट है, तो ये हमने लिया है क्योंकि मेरे साथ मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी साथ में हैं माशाल्लाह। टीवी LCD लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसका रिमोट वगैरह। साथ में आपके पास जानेमाज वगैरह, अगर आपको चाहिए कुरान शरीफ, यहाँ बैठ के अगर आप कुछ काम करना चाहें तो। बहुत ही डिसेंट साफ़ सुथरा। ये इसका व्यू है, मदीने का व्यू। आप देखें पीछे से आपको माउंटेन्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, पहाड़ वगैरह, और मदीना का ज़बरदस्त व्यू। तो काफ़ी डिसेंट रूम लगा मुझे, काफ़ी डिसेंट है, साफ़ सुथरा है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये यहाँ पे उन्होंने आयरन रखी हुई है नीचे, और ये आपका इस्त्री का स्टैंड है, तो यहाँ से आप इस्त्री का स्टैंड ले सकते हैं। तो अगर आप मदीना आ रहे हैं तो आप इस होटल को ट्राई कर सकते हैं, सज्जल अल मदीना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये होटल का टूर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आजकल हम लोग मदीने में थे, माशाल्लाह सज्जल अल मदीना होटल में ठहरे हुए थे। रूम टूर वगैरह आपने देखा माशाल्लाह, हमें काफ़ी होटल पसंद आया। ये 4 स्टार होटल है, और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि ये मस्जिद नबी से 3 मिनट की वॉक है। गेट नंबर 328 से ये 3 मिनट की वॉक है माशाल्लाह। तो हमें ये सर्विस, होटल ओवरऑल सर्विस वगैरह ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट या रेकमेंड करूँगा, अगर आप चाहें तो सज्जल अल मदीना में ठहर सकते हैं, अगर आप मदीना आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। माशाल्लाह बहुत ही डिसेंट साफ़ सुथरा होटल है। यहाँ इनके पास बफे ब्रेकफास्ट भी है, लेकिन उसमें ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको मदीना से काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह आज हमारा मक्के का सफ़र है, उम्रे के लिए हम लोग जा रहे हैं। आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला आसानी का मामला करे, अल्लाह ताला मेरा उम्रा और हमारा आना कबूल करे, इसको एक्सेप्ट करे। अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको, आपकी पूरी फैमिली को यहाँ और मक्के की हाज़िरी बार बार कराए। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।